रीट परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत में सुनवाई होगी। मधु नागर और अन्य की याचिकाओं पर यह सुनवाई है। याचिकाओं में पेपर लीक का दावा किया गया। पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग की गई है। करीब 31,000 पदों के लिए 26 सितंबर को रीट की परीक्षा आयोजित हुई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सचिन कुमार के साथ। सचिन, चूंकि मामला हाईकोर्ट में जा चुका है और अगर इस परीक्षा पर रोक लगेगी भी या स्थगित किया भी जाएगा, तब भी हाईकोर्ट जो है वो याचिका लगाने वालों से इस बाबत सबूत मांगेगा या कोई साक्ष्य मांगेगा कि ये पेपर लीक हुआ है, तो इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है हाईकोर्ट को वो साक्ष्य और सबूत देने की कि ये पेपर लीक हुआ था? देखिए, अभी दो रिट याचिकाएं अलग अलग लगी, जिसमें एक का आज सुनवाई के लिए नंबर आ गया है जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत में। उसमें जो तथ्य दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार है कि पहले तो ये कहा गया है कि जो खुद एडमिट कर रही है सरकार कि हमने इतने लोगों को पकड़ा है, इतने लोगों को निलंबित कर दिया है, तो ये काफी अपने आप में ये बताने के लिए कि पेपर लीक हुआ है। ये भी कहा जा रहा है, इसके पीछे आधार ही बताया जा रहा है कि अगर एक जगह पेपर लीक होता है तो सोशल मीडिया का जमाना है, जो नेट बंदी थी वो रात 10 बजे से शुरू हुई थी, तो ऐसे में जो 8 बजे जो खुद सरकार स्वीकार रही है, FIR है सूची की, सवाई माधोपुर में 8 बजे पेपर लीक हुआ है, तो अगर एक जगह पेपर लीक हुआ है तो स्प्रेड भी हुआ होगा सभी जगह पर, तो ऐसे में उसकी जांच कराया जाना आवश्यक है। इनकी मांग ये है कि उसकी जांच सीबीआई से कराई जाएगी और किन किन सेंटर्स पे किन किन लोगों को पेपर पहुंचा था, और अगर बहुत बड़ी संख्या में पेपर लोगों तक पहुंचा है तो परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, वरना उन चुनिंदा सेंटर्स पे कम से कम दोबारा परीक्षा करवाई जाए। तो अभी जो आधार बताया गया है वो सरकार ने जो प्रिकॉशन से अपनी उपलब्धि बताई है उन्हीं को आधार बनाया गया है। ये कहा गया है कि जब सरकार खुद ही मान रही है कि पेपर कुछ जगह पर लीक हुआ और उन्होंने कार्रवाइयां की है, तो फिर क्यों सरकार सीबीआई जांच से पीछे हट रही है? जी जी सचिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब सीधा चलते हैं दिल्ली की तरफ, जहां इस समय राहुल गांधी प्रेस